तो चलिए आज हम लोग एक शॉर्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत बार नीट के एग्जाम में पूछा भी जाता है और उसमें बहुत सारा हमें कंफ्यूजन भी होता है। तो हम लोग आज उसको ना बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं कि एक्चुअल में उसमें होता है क्या। एक्चुअल में ना कुछ स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, स्पेशल टाइप के। वैसे तो बहुत तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और तुम लोग जानते भी हो आप लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। कि ए मतलब होता है एलोन, एलोन का मतलब होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, ठीक है, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वैसे तो बहुत सारे मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन इसमें से दो तीन ऐसे टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और उनको स्पेशल टाइप्स होते हैं। देखो, नॉर्मल स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू होता है, या किसी के पोर्शन को कट करके रोज शुगर के किसी को भी आप प्रोपेगेट करवा सकते हो। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप्स के हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आप लिखते हो पार्थिनोजेनेसिस। अब एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था जो अभी लास्ट ईयर, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पार्थिनोजेनेसिस है जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस एनिमल में बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं, या कभी कभी बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि भाई पार्थिनोजेनेसिस है तो वो एनिमल में होगा और पार्थिनोकार्पी है तो वो प्लांट में होगा। बट ऐसा नहीं है। पार्थिनोजेनेसिस कहने का मतलब है कि इट अकर इन बोथ, इट अकर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओके, ये दोनों में ही होता है। अब बच्चों ये आप याद रखिएगा, ये वन ऑफ द एसेक्सुअल है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पेशल टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं जो अभी बात करूंगा भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये जो पार्थिनोजेनेसिस है अगर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, अगर मैं इसको प्लांट में कहूंगा तो प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस बनाता है कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन तो जो फीमेल एग है उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो और वो क्या करे कि डायरेक्टली क्या बना दे, एम्ब्रियो बना दे। यू नो कि एम्ब्रियो क्या होता है कि जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर एम्ब्रियो उसी से, एम्ब्रियो से ही मतलब एक न्यू ऑस्प्रिंग डेवलप करता है। तो अगर प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस होगी, अगर प्लांट में पार्थिनोजेनेसिस होगी, पार्थिनोजेनेसिस, तो हम लोग कहेंगे कि उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। अगर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहा है देयर इज फॉर पार्थिनोजेनेसिस इन प्लांट। अगर हम बात एनिमल में करें, एनिमल पार्थिनोजेनेसिस की बात करें, तो पार्थिनोजेनेसिस इसमें होता है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल तुम लोग जानते हो फर्टिलाइजेशन, और ये बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह, एफिड्स वगैरह, आंट्स वगैरह ये लोग शो करते हैं। और इसका तुम बेस्ट एग्जाम्पल बच्चों जानते हो कि हनी बी में जो मेल होता है, हनी बी में जो मेल होता है, मेल डेवलप बाई पार्थिनोजेनेसिस। तो जो मेल डेवलप करता है हनी बी में वो बाई द प्रोसेस कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। तो बेसिकली अगर पार्थिनोजेनेसिस कहा जाए तो पार्थिनोजेनेसिस अगर इन बोथ प्लांट और एनिमल, अगर प्लांट में विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बन रहा है तो उसको हम बोल देंगे पार्थिनोजेनेसिस। और अगर कहीं एनिमल में बन रहा है, एनिमल में मतलब कोई न्यू इंडिविजुअल बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम उसको लोग बोल देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और देखो पार्थिनोजेनेसिस तुम्हारे में है भी, और ये बोला भी जाता है कि जो हनी बी के केस में बोला जाता है कि उसके नाना नानी तो होते हैं लेकिन उसके जो फादर होता है वो नहीं होता है। तो एक तरह से ये बोला जाता है कि जो फीमेल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेल को प्रोड्यूस करती है और जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी तो वो फीमेल को प्रोड्यूस करेगी। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फीमेल का जो एग होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, बना देता है मेल को बना देता है। तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बनाता है और उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। तो आई होप कि ये क्लियर होगा कि पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। तो पार्थिनोजेनेसिस मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप है जिसमें क्या होता है कि प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बन जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन और एनिमल के अंदर एक न्यू इंडिविजुअल मिल जाता है, जैसे जैसे बी के केस में आप लोग देखते हो। अब नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं पार्थिनोकार्पी की, पार्थिनोकार्पी की। तो देखो बच्चों कार्पी का मतलब आप समझ लो, कार्पी का मतलब होगा कार्पेल,
और यू नो कि कार्पेल किसके अंडर में आता है, ओवरी के अंदर में आता है। तो अगर ओवरी में फर्टिलाइजेशन हो, आप समझ लो कि अगर ओवरी में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज करेगी ओवरी, तो ये ट्रू फ्रूट को बनाएगी, ट्रू फ्रूट बनता है, कहते हैं ना कि फर्टिलाइज ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट, तो ये ट्रू फ्रूट बनेगा। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल केस, ये हमारे नॉर्मल केस की बात होगी। लेकिन अगर कहा जाए, अगर यही बात कहा जाए कि फ्रूट फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम लोग कहेंगे उसी को कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। जैसे ही कार्पी वर्ड याद है तो तुम कार्पल समझ लेना, कार्पल इज द पार्ट ऑफ ओवरी, ठीक है, हम उसको बोलेंगे पार्थिनो कार्पी बोलेंगे। अब देखो एक बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है कि पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स डू नॉट कंटेन सीड, कंटेन्स सीड, तो सीड नहीं कंटेन्स करते, तो सीड नहीं होगा उसमें। तो अगर किसी भी फ्रूट में सीड नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हम उसको बोल देंगे कि भैया ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो अब तुमसे जब भी अगर कोई तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, तो ये पूछेगा कि पार्थिनोकार्पी नॉट पॉसिबल, पार्थिनोकार्पी नॉट पॉसिबल, कि पार्थिनोकार्पी इसमें पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आपसे पूछेगा कि बताओ कि पार्थिनोकार्पी इसमें पॉसिबल नहीं होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यह है पॉम ग्रेनेट, प्रोम ग्रेनेट बोलते हैं इसको, और इसका साइंटिफिक नेम है प्यूनिका ग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, ग्रेनेटम। और इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में बोलते हो अनार को बोलते हो, ठीक है, अनार। क्योंकि देखो बच्चों, अनार का जो सीड होता है उसका आप टेस्टा ही खाते हो, जो सीड कोट होता है टेस्टा, जूसी टेस्टा होता है, स्वेलिंग टेस्टा जिसको बोलते हैं, जिसमें मटेरियल भरा होता है, रेड कलर का होता है, वही उसी को आप खाते हो। तो अगर आप सीड को अपसेट कर दोगे तो जो अनार है उसकी इंपोर्टेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो अपनी इंपोर्टेंस को लॉस कर देगा अगर आपने उसमें पार्थिनोकार्पी कर दिया, अगर कर देंगे। इसका मतलब यह है कि हम पार्थिनोकार्पी उसमें नहीं कर सकते। तो हमें सिंपल भी पता चला कि पार्थिनोकार्पी एक सेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें फ्रूट बन जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट ओवरी के फर्टिलाइजेशन से बनता है तो ट्रू फ्रूट होता है, और अगर उस बिना उसके फर्टिलाइजेशन की डेवलप कर रहा है तो उसको पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। तो लोग एग्जांपल के लिए तुम जानते भी हो, जैसे एग्जांपल के लिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, तो अब देखो आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिंपल ये तो बताया ना कि अगर आप किसी भी फ्रूट में देख रहे हो कि सीड नहीं है तो आप समझ लो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब पार्थिनोकार्पी नेचुरल भी हो सकती है, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता भी दिया है कि अगर आप पार्थिनोकार्पी उसको बोलोगे, जब भी आपको कोई फ्रूट मिल जाए अगर उसमें सीड नहीं है तो वो पार्थिनोकार्पिक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो अब हम लोग पढ़ते हैं एक अनदर जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो स्पेशल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो अभी एक वर्ड और बताऊंगा एपोमिक्सिस, तो उससे कंफ्यूज मत होना। एपोमिक्सिस होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके, विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर हमारा सीड बन जाए ना फर्टिलाइजेशन, तो उसमें होता है, तो एपोमिक्सिस को बोलते हैं कि सीड फॉर्मेशन। तो एपोमिक्सिस का मतलब हुआ सीड फॉर्मेशन, कि अगर सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सर विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो हम उसको ये बोलते हैं, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, एक होता है जैसे पॉली एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। तो बच्चों ये एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो कभी भी आप इसको साथ कंफ्यूज मत करना एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जबकि एम्फीमिक्सिस एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एम्फीमिक्सिस में आपको मेल फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एम्फीमिक्सिस और एपोमिक्सिस मत करना। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में समराइज करूं तो हम लिखेंगे पार्थिनोजेनेसिस, जेनेसिस तो ये लिखेंगे प्लांट, और प्लांट में लिखेंगे तो एम्ब्रियो बन जाएगा, और ये सारी बात विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर एनिमल में बन जाए तो बी का हम लोग मेल ले लेते हैं, मेल जो है मेल फ्लाई जो होती है, और हम लिख देते हैं पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, तो इसमें हम लोग लिख लेंगे फ्रूट फॉर्मेशन,
फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन सारी बातें हो रही है। एक्चुअल में क्या करना था, हम लोग क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीजें फर्टिलाइजेशन से बनती हैं। तो लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन जाती है, तो हम लोग इनको स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं। और लास्ट वन इज कॉल्ड एकोमिक्सिस, और एकोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। ठीक, तो इन सब बातों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट पाथवे, पाथवे का क्या है, एपोमिक्सिस। ठीक है।